फ्रेंड्स, सिल्पीज किचन में आपका स्वागत है। आज हमारी ब्रेकफास्ट सीरीज में मैं बनाने जा रही हूँ पोहा बॉल्स। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक्स है और बहुत टेस्टी भी है। ब्रेकफास्ट के अलावा आप इसको शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो। और स्मॉल क्रेविंग्स के लिए तो क्या बात। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पोहा बॉल्स। पोहा बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा एक कटोरी, बॉइल्ड आलू दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिनको हमने छील लिया है, धनिया छोटा छोटा हमने काट लिया है, दो चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, एक चम्मच गाजर छोटा बारीक कटा हुआ, फ्रेंच बीन एक चम्मच छोटा महीन कटा हुआ है, गरम मसाला आधा टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर आधा टेबल स्पून, अमचूर पाउडर आधा टेबल स्पून, धनिया सीट ली है यहाँ पर मैंने जिनको मोटा मोटा कूट लिया है, ये भी आधा चम्मच है, बारीक कटाई हुई हरी मिर्च और लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच नमक को भी आप अपने टेस्ट के अनुकूल डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोहा बॉल्स बनाना। सबसे पहले पोहा बॉल्स बनाने के लिए हम पोहे को अच्छे से वॉश करके 15 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। देखिए पोहे को 15 मिनट हो चुके हैं। यह भीगने के बाद 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह से यह मैश होने लगेगा। अब हम इसमें बॉइल्ड आलू ग्रेट करेंगे। देखिए आलू यहां मेरे ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे चीजें डालेंगे। ऑनियन छोटा कटा हुआ, कैरेट और फ्रेंच बीन्स, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया सीड्स जो मैंने कूट ली है, हरी मिर्च, धनिया और नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, कम या ज्यादा जो भी आपको डालना है। अब इसको एक डो की तरह इसको तैयार करेंगे। देखिए डो मेरा तैयार हो गया है। अब हम इस डो की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। आप बॉल्स अपने हिसाब से बना, मीडियम साइज या जैसा भी आपको साइज चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से बना रही हूं इनकी बॉल्स। ऐसे ही आप सारी बॉल्स बना सकते हैं। देखिए हमारे बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब इनको बनाने के लिए सेकने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। चलिए बनाते हैं। गैस पर हमने अपनी कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, मैंने अभी हाई फ्लेम पर रखा हुआ है और धीरे धीरे हम बॉल्स को इसमें डालेंगे। आराम आराम से डालेंगे जिससे हमारे बॉल्स फूट ना जाएं। और इनको आराम से ही डालना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे ज्यादा डालने से। और इनके ऊपर ऐसे ऑयल करना है जिससे ये ऊपर के भी सिकते जाएं। उसी के बाद इसको पलटेंगे जब थोड़ा सिक जाएंगे।
बॉल्स हमारे देखिए सीख चुके हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के अपने सारे बॉल्स ऐसे ही सेक लेंगे। देखिए ये मेरे कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। देखो किस तरह से आवाज आ रही है इसमें से, एकदम क्रिस्पी। ऐसे ही आप सारे बॉल्स ऐसे ही बनेंगे। मेरे पोहा बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको आप हरे धनिये की चटनी से और सॉस के साथ खाइए और इंजॉय करिए। आज की मेरी डिश कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू।